हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम शानदार झींगे यानी प्रॉन्स की बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त लगती है, पार्टी और इवेंट के लिए एकदम बेस्ट है। तो चले देखें इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए रहेगा प्रॉन्स। यहाँ पे मैंने 650 ग्राम 650 ग्राम प्रॉन्स लिए झींगे, इसे मैंने अच्छे से साफ करके लिए। इसमें डालेंगे हम नमक, एक टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई टीस्पून हल्दी डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसे साइड में रख लेंगे हम मैरिनेट होने के लिए। फिर हमें एक बड़ा सा पतीला या एक पैन ले लेना है जिसमें हम हमारी बिरयानी बनाएंगे। उसमें हम डालेंगे एक कप तेल और फिर इसमें हम डालेंगे अक्खे गरम मसाले, जो कि सारे थोड़े थोड़े ले लेना है, सबके मेजरमेंट स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ऐसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें हम डालेंगे दो बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने स्लाइसिंग में काट के रखी हूँ। फिर इसमें हम डालेंगे दो मिर्ची, मैंने इसे अक्खी डाली हो, आप चाहे तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। और इसमें हम आलू डालेंगे तीन, अगर आप आलू नहीं पसंद करते तो आप इसे स्किप कर दीजिए और इसे अच्छे से लाल होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे मैंने एक घंटे पहले ही अच्छे से बासमती राइस को भिगा कर रखी थी, ये 2.5 कप है मेरे पास। अब यहाँ पे मैंने 8 कप पानी ली हूँ और इसमें हम डालेंगे भरकर नमक और हमारा बासमती राइस डाल देंगे हम इसमें। फिर इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता और सारे अक्खे गरम मसाले, जैसे इलायची, लौंग, काली मिरी, बड़ी इलायची, बादिया फुल, ज़ीरा और दालचीनी का टुकड़ा। फिर इसमें हम डालेंगे कोतमीर और पुदीना काट के और नींबू भी डाल देंगे, जिससे हमारे चावल अच्छे छुट्टे छुट्टे बनेंगे और इसे उबलने रख देंगे। फिर हमारे जो प्याज दाल हो चुके थे, इसमें हम डालेंगे 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से हम इसे और भून लेंगे। अच्छे से 6 से 7 मिनट बाद अदरक लहसुन हमारा भून चुका था, तब इसमें डाल देंगे हम 3 मीडियम साइज के टमाटर बारीक काट के और इसे भी अच्छे से सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए टमाटर हमारे गल चुके थे, तब हम इसमें डाल लेंगे नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। आप चाहे तो कोई भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं या घर पर बनाकर भी डाल सकते हैं, पूरी आपकी चॉइस है। फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1/2 कप जितना, ताकि हमारे मसाले जले नहीं और इसे भी अच्छे से भून लेंगे हम। ये देखिए बीच बीच में हमारे चावल भी हमें चेक करते रहना है। देखिए अच्छे से हमारे चावल उबल रहे, अभी ये हुए नहीं हैं, अब हमें चेक करते रहना है बीच बीच में। अब ये देखिए यहाँ पे मैं डाल दूंगी मसाले में 4 टेबलस्पून भरकर दही, जिसे मैंने अच्छे से फेंट ली थी। फेंट कर दही डालना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा जो मसाला है वो फटाफटा लगता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अच्छे से दही को भून लीजिए जब तक इसका मसाला ऊपर नहीं आ जाता, कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर हम फिर हमारे चावल को चेक करेंगे, तब हम हमारे चावल हो चुके थे आप देख सकते हैं, तब हम इसका पानी पूरा छान देंगे और इसे अलग रख देंगे। फिर जब हमारा मसाला पूरा रेडी हो जाएगा, तब हम इसमें डाल देंगे हमारे झींगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम मसाला इसमें। फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप जितना पानी और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ढककर पकाएंगे हम इसे 6 से 7 मिनट, जब तक हमारे थोड़े से झींगे गल नहीं जाते। फिर ये देखिए इसमें हम डालेंगे 1 कप भरकर तली हुई प्याज, जिसे मैंने स्टार्टिंग में ही फ्राई कर ली थी, ये 4 प्याज जितने होंगे। और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा कोतमीर और पुदीना काट कर और हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से इसे ढक देंगे और पकने देंगे 6 से 7 मिनट, जब तक हमारे झींगे पक नहीं जाते। ये देखिए चावल भी हमारे अच्छे से निथर के रेडी है। अब देखिएगा हमारा मसाला कितना बढ़िया ज़बरदस्त बनकर तैयार है। तब इस टाइम पर हम हमारा गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस पे ही चावल बिछा देंगे। देख सकते चावल मैंने ऑलमोस्ट 95% पका चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ये करने से हमारे बिरयानी में दम बहुत जल्दी आता है और चावल बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। आप ओवर कुक ना करें, अच्छे से चावल को निथारिए, अच्छे से बनाइए, ये देख सकते हैं। इसी तरीके से हम पूरे चावल बिछा देंगे ऊपर ही।
और जो नींबू हमने डाले थे चावल उबलने के टाइम पे वो इसमें नहीं डालेंगे। फिर ऊपर से मैं डाल रही हूँ यहाँ पे येलो फूड कलर, ये एकदम ऑप्शनल है, आप चाहे तो ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ऊपर से हम डालेंगे तली हुई प्याज, फिर हरा धनिया और पुदीना कटा हुआ, और इसे छोड़ देंगे दम के लिए 10 से 15 मिनट एकदम लो फ्लेम पर। अगर आपको डर है तो आप नीचे तवा भी रख सकते हैं। ये देख सकते हैं 10-15 मिनट बाद ये देख सकते हैं कितना बढ़िया धुआं हमारा बिरयानी में दम आ चुका था। तब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देख सकते हैं कितने खुले खुले चावल भी बने हैं हमारे, तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो देखा आपने कितने बेहतरीन तरीके से हमने बनाकर तैयार की ये झींगे की बिरयानी, जो खाने में बहुत लजीज थी। अगर आप ये बनाएंगे आपके घर में तो आप सबका दिल जीत लेंगे और सब आपके फ़ैन हो जाएंगे, मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ। तो आप भी बनाइए और मुझे ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी, और मेरे चैनल पर और भी अमेजिंग रेसिपीज चेक करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।